हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? दिस इज़ प्रतीक पटेल फ्रॉम निफ्टी मिलियनर. सो लेट्स डिस्कस आज का जो मार्केट क्या रहा और क्या सीनारियोज बिल्ड हो रहे हैं इन द मार्केट. एंड वी विल डिस्कस ऑल्सो कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, मतलब फ्यू ऑफ द स्टॉक अपॉर्चुनिटीज़. सो सबसे पहले चीज़ हम देखते हैं, जो अगर आप निफ्टी में अगर आप देखेंगे जो ब्रॉड ट्रेंड है, ब्रॉड ट्रेंड इज स्टील इन अप. काफ़ी टाइम से निफ्टी कंसोलिडेशन कर रहा है एक बड़े मूव के बाद, तो कुछ दिन ऊपर जा रहा है, कुछ दिन नीचे जा रहा है, बट ब्रॉड ट्रेंड इज स्टिल इंटैक्ट, राइट? लेट्स लुक एट द स्मॉलर टाइम फ्रेम कि वहाँ पे कैसा है ट्रेंड अभी निफ्टी का. तो सेम वे अगर आप देखेंगे, जैसे हमने डिस्कस किया था, ये 18,100 ये लेवल जब तक ब्रेक डाउन नहीं करता है निफ्टी, तब तक उसका ब्रॉड ट्रेंड इज अप. रिसेंटली जो हमने सोचा था कि जो माइनो ट्रेंड भी जो वीक हुआ है, ये भी आज अगर हम देखें तो आज उसने भी ऊपर में ओपन किया और उसके बाद सस्टेन किया, बट लास्ट आवर में एक हमें सेलिंग देखने को मिला है. तो सबसे पहले चीज़ जो कल सिनेरियोज जो मेरे को लग रहा है, मे बी अगर यहाँ पे हमें मिलता है एंड उसके बाद अगर एक बेस बनाता है एंड उसके बाद ऊपर जाता है, तो वी कैन लुक फॉर द लो रिस्क अपॉर्चुनिटी फॉर द लॉन्ग साइड. जब तक 18,100 ब्रेक डाउन नहीं करता है, तब तक हमें ध्यान रखना चाहिए कि वी शुड नॉट बी ऑन द शॉर्ट साइड. और दूसरा एक कंफर्मेशन हमें कब मिल सकता है, कल अगर आप देखें तो जो आज लास्ट आवर में सेलिंग आया है अगर आप ऑब्जर्व करेंगे और वॉल्यूम के साथ आया हुआ है, तो टुमारो अगर मुझे लॉन्ग करना है कॉन्फिडेंटली, तो इसके ऊपर अगर वॉल्यूम के साथ 18,420 या 425 के ऊपर वॉल्यूम के साथ अगर निफ्टी टिकता है, तो आई कैन लुक फॉर द लॉन्ग साइड ऑल्सो. देर आर टू सीनारियोज, आइदर वी लुक एट जो मैंने आपको बताया वहाँ पे बेस बना के फिर एक नया रेंट शुरू करें, या तो जो आज का जो मैंने बताया लास्ट ओवर का सेलिंग है उसको निकाल देता है उसके बाद. तो देर आर टू सीनियर्स वेर वी कैन सी ऑन द लॉन्ग साइड. अब आप बोलोगे कि शॉर्ट साइड, दिस इज वॉट आई फील कि जब तक ब्रॉड ट्रेंड और माइनो ट्रेंड दोनों में से एक भी वीक ना हो, तो हमें शॉर्ट करने जाना नहीं चाहिए. इट विल बी अ प्री अटेम्प्ट. सो 10 बार आप करोगे, मे बी आप 2 बार सही भी पड़ जाओगे, बट द ऑड्स ऑफ विनिंग इज वेरी वेरी लो, राइट? तो अगर माइनो ट्रेंड भी ब्रेक करना है, तो 18,250 के नीचे टिकना चाहिए और उसके बाद एक सेलिंग आना चाहिए वॉल्यूम के साथ, तब वी कैन एज्यूम कि माइनो ट्रेंड थोड़ा वीक हुआ है. अदरवाइज ब्रॉड एंड माइनर बोथ आर अप, राइट? बट प्रॉब्लम क्या है, मार्केट थोड़ा थका हुआ है, तो मार्केट जो प्लेयर्स हैं उनको भी थका रहा है. सो होप इट इज़ क्लियर. सेम वे अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी को, तो बैंक निफ्टी का भी ट्रेंड जैसे रिसेंटली ऑल टाइम हाई मारा, उसके बाद एक टाइट रेंज में बैंक निफ्टी काफ़ी दिन से ट्रेड कर रहा है, राइट? एंड लेट्स लुक एट द ब्रॉडर ट्रेंड. सो सेम वे जो हमने डिस्कस किया था, बैंक निफ्टी में पहला लेवल है 43,300, जिसके नीचे कंसिस्टेंटली रुके, और जो मेन इंपॉर्टेंट है 42,600. अगर इसके नीचे ब्रेक डाउन करके बैंक निफ्टी टिकता है, तो आपका ब्रॉड एंड माइनर दोनों ट्रेंड वीक हो जाता है. बट टिल देन अगर मान लो कल यहाँ पे 43,500 के आसपास या 43,600 के आसपास मिलता है, एंड देन यू सी सच काइंड ऑफ पैटर्न, लेट मी ओपन द 15 मिनट चार्ट. या मान लो यहाँ पे आता है एंड देन अगेन यहाँ पे बेस बना, देन जाता है, तो देन यू कैन लुक फॉर द लो रिस्क लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज. बट टिल इंट्राडे में भी 43,700 या 43,600 के नीचे अगर कंसिस्टेंटली टिकता नहीं है, तो यू शुड लुक फॉर द लॉन्ग अपॉर्चुनिटी ओनली, बिकॉज मार्केट इज इन रेंज बाउंड. तो आपको ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि यहाँ से 1,000 पॉइंट एक साथ में मिल जाएगा. यू हैव टू लुक फॉर द, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो, तो आपको स्मॉल स्मॉल ट्रेड्स ढूंढने की कोशिश करना चाहिए. और जो सेम में निफ्टी के अंदर आज का जो लास्ट सेलिंग हुआ, उसके ऊपर अगर आज के आई के ऊपर वॉल्यूम के वैसे टिकता है, तो वी कैन ऑल्सो लुक फॉर द लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज. लेट्स लुक एट द, सो बिफोर आई डिस्कस अबाउट निफ्टी स्मॉल कैप, सो एक चीज़ ध्यान रखो, वी आर नॉट हियर टू कैच एवरी ट्रेड्स, राइट? हर मूवमेंट को कैच नहीं करना है, बट जब ब्रॉड मार्केट और आपका माइनर ट्रेंड दोनों अगर आपके साथ है, तो उस फेवर में जो भी ट्रेड आता है हमें वो करने की कोशिश करना चाहिए. तो हमेशा आप ऊपर के, अगर मान लो 1,000 पॉइंट है, तो ऊपर के 20% और नीचे के 20% आपको कभी 100% आप कैच नहीं कर पाओगे. आपको जो रेस्ट ऑफ द 60-70% जो है, वही कैच करने की कोशिश करना चाहिए, और वहाँ पे ही आपको बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड बनाने की कोशिश करना चाहिए. अदरवाइज इफ यू वॉन्ट टू कैच टॉप एंड बॉटम, देन यू विल मिस मोस्ट ऑफ द मनी ऑन द टेबल, राइट? तो ध्यान रखिएगा कि ये चीज़ कभी भी, कि भाई जो भी ट्रेंड आए, जितना भी आए, वो सबको मुझे कैच करना है, दैट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, राइट? थियोरेटिकली और हिंडसाइट एवरीथिंग इज पॉसिबल.
सेम वे हमने डिस्कस किया था आज स्मॉल कैप इंडेक्स ने अगेन न्यू हाई मारा बट टिका नहीं, देन देयर इज अ सेलिंग राइट. सो सेम वे आप एक चीज ध्यान रखिए जो हमने डिस्कस किया था 9750 या 9800 जो एक ब्रॉड रेंज है वो रेंज को जब तक ब्रेक डाउन नहीं करता है तब तक स्मॉल कैप इंडेक्स इज ऑल्सो अप. वी आर नॉट सीइंग एनी, जो कंसोलिडेशन पीरियड चल रहा है जैसे आप देख सकते हो ऊपर जाता है देन नीचे आता है देन ऊपर जाता है नीचे आता है राइट. सो दैट इज हैपनिंग. सो ये ब्रॉडली जनरली मार्केट का नेचर है तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, हमें एक ही चीज़ करना है जहाँ पे भी लो रिस्क अपॉर्चुनिटी अगर अपने को दिख रही है तो वी हैव टू कैप्चर दैट अपॉर्चुनिटी राइट. लेट्स डिस्कस फ्यू ऑफ द स्टॉक्स. सो ओलेक्ट्रा है, ये ई व्हीकल इलेक्ट्रिक बस और वो सब बनाती है कंपनी. तो एक बहुत बड़ा वॉल्यूम के साथ एक मूव आया स्टॉक में, उसके बाद एक दो बहुत बड़ी कैंडल, उसके बाद स्टॉक इज इन कंसोलिडेशन फ्रॉम लास्ट मेनी मेनी डेज राइट. सो व्हाट आई फील कि जो कंसोलिडेशन हुआ है स्टॉक में और आप देख सकते हो वॉल्यूम भी काफ़ी ड्राइवड हो चुका है दो दिन में. अगर जो कल का हाई है 695 के ऊपर अगर टिकता है स्टॉक वॉल्यूम के साथ तो वी कैन लुक फॉर द लॉन्ग अपॉर्चुनिटी विद द रिस्क लेवल अराउंड 668 राइट. सो क्योंकि एक बड़ा एविडेंस भी अपने साथ उसके बाद कंसोलिडेशन भी किया एंड देन वी आर सीइंग अ न्यू मूव राइट इफ द कमर्स. देन लेट लुक एट द इक्विटास. इक्विटास का जो बैंक का रिजल्ट आया वो भी बहुत अच्छा था, उसके बाद स्टॉक ने एक मूव किया है एंड नाउ स्टॉक इज इन कंसोलिडेशन. आप देख सकते हो वॉल्यूम भी ड्राई आउट हो चुका है काफ़ी सारा. अगर एक दो दिन और भी ट्राई करता है उसके बाद ये स्टॉक 83 के ऊपर अगर टिकता है वॉल्यूम के साथ यू कैन लुक फॉर द अपॉर्चुनिटी विद द 78.50 रिस्क लेवल. सो मेक श्योर वेन एवर यू डू समथिंग योर रिस्क रिवॉर्ड शुड बी वेरी गुड राइट. अगर विदाउट रिस्क रिवॉर्ड आप कितने भी ट्रेड्स करेंगे आप कितना भी पैसा बनाएंगे बट मार्केट का एक ऐसा पीरियड आएगा जहाँ पे आप सब कुछ मार्केट को वापस दे देंगे. इफ़ यू हैव अ गुड रिस्क रिवॉर्ड देन वेर इज अ चांस दैट यू विल प्रोटेक्ट योर मनी, जितना भी आपने बनाया उसका मैक्सिमम पैसा बचा पाओगे. आई होप आप लोगों को ये सीरीज में बहुत सारा लर्निंग मिल रहा होगा एंड जरूर बताइएगा कि व्हाट आर द की लर्निंग्स दैट यू आर लर्निंग फ्रॉम दिस सीरीज एंड जरूर कमेंट कीजिएगा आपका फीडबैक और लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलना. थैंक यू सो मच, सी यू ऑल अगेन.